झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई, राजधानी रांची पहुंच चुके हैं हेमंत सोरेन। 24 घंटे बाद में हेमंत सोरेन की जानकारी मिल गई है। 24 घंटे से लापता हेमंत सोरेन अब रांची पहुंच गए हैं। जी हां, बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सोरेन के लापता होने की खबर थी, क्योंकि आखिरी बार वो दिल्ली में पाए गए थे, लेकिन पिछले 24 घंटों से वो कहां थे इसकी किसी को जानकारी नहीं थी, ना उनके स्टाफ को, ना उनके ड्राइवर को, और यहां तक कि उनकी गाड़ी और जो पर्सनल चार्टर्ड प्लेन है वो भी एयरपोर्ट पर है। लेकिन अब तस्वीर उनके सामने आ चुकी है। विधायक और मंत्रियों को सीएम आवास भी बुला लिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कुछ देर में सीएम आवास पर बड़ी बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि आगे की रणनीति को लेकर जरूर चर्चा की जाएगी, क्योंकि दिल्ली जब पहुंचे थे हेमंत सोरेन तो माना जा रहा है कि वो लीगल एडवाइस के लिए पहुंचे थे, आगे की रणनीति के लिए पहुंचे थे, क्योंकि अब गिरफ्तारी की तलवार जो है हेमंत सोरेन पर लटक रही है। अब आखिर कल उन्हें पेश होना है। वैसे 29 या फिर 31 तारीख का वक्त ईडी की तरफ से दिया गया था, जो समन जारी किया गया था। फिर अब ये जानकारी आई कि 31 तारीख को पेश होंगे हेमंत सोरेन ईडी के सामने। सीधे रुक कर लेते हैं रांची का ही, जहां से हमारे साथी सोहन इस समय जुड़ रहे हैं। सोहन, जरा बताइए कि 24 घंटे से लापता हेमंत सोरेन आखिरकार रांची पहुंच गए हैं, क्या हालचाल है वहां पर, कितनी देर पहले वहां पर उनकी मौजूदगी नजर आई? सोहन, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, शायद आपने म्यूट है माइक, आप उसको ठीक करें। जब तक मैं अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाती चलती हूँ, ये तस्वीर आप देखिए, रांची पहुंचने की तस्वीर है, जब अब से कुछ देर पहले सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे थे रांची, और उसकी तस्वीर यहाँ पर सामने आई है। सोहन रांची से हमारे साथ में है, तो दिल्ली से अनुज इस समय हमारे साथ में है। अनुज का मैं रुक कर लेती हूँ। अनुज, अब आखिरकार 24 घंटों के बाद में हेमंत सोरेन की लोकेशन पता चल गई है, हेमंत सोरेन खुद यहाँ पर अब सामने देखे गए, रांची पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है आगे की रणनीति जो है वो जरूर तय करके, चर्चा करके दिल्ली से वापस रांची आए हैं। जी निश्चित तौर पर, जिस तरीके से लगातार 24 घंटे से ये सवाल बना हुआ था कि आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ हैं, उस पर कहीं ना कहीं इन सवालों पर विराम लगता हुआ दिखा जब उनकी तस्वीरें जो हैं वो रांची में देखी गई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार हेमंत सोरेन कैसे दिल्ली से रांची पहुंचे, और तमाम प्रोटोकॉल को एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो प्रोटोकॉल होता है, एक मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, उसे अलग करते हुए वो किस तरीके से रांची पहुंचे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं जांच एजेंसी को अब इंतजार रहेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर हम बात करें कि हेमंत सोरेन की तरफ से कल जिस तरीके से उनके ऑफिशियल मेल आईडी से बाकायदा ईडी को मेल किया गया था, और ये कहा गया था कि 31 तारीख को वो ईडी के सामने पेश होंगे, 1 बजे का समय जो है वो बताया गया था, ऐसे में क्या कल 31 तारीख को वो ईडी के सामने पेश होते हैं? क्या वो 31 तारीख को ईडी के सामने पेश होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। मैं अनुज आपका दोबारा रुक करूं, सोहन का भी रुक करूं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते चले। सोरेन की दिल्ली आवास से एक तरफ 36 लाख कैश जो है वो ईडी ने बरामद किया है। ईडी ने जो बरामदगी की है उसमें 500-500 के नोटों के बंडल है। आपको बता दें वो जगह जहाँ पर शनिवार को पहुंचे थे, जहां शनिवार को पहुंचे थे हेमंत सोरेन, वहां से 36 लाख नकद बरामद किया गया। वहीं अब वो पहुंच चुके हैं सीधे रांची। रांची में कुछ देर के बाद में यहां पर बैठक होगी, माना जा रहा है बड़ी बैठक होने वाली है, क्योंकि खबर ये है कि अब सीएम हेमंत सोरेन ने अपने सभी विधायकों को सीएम आवास बुलाया है। सोहन इस समय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ में जुड़े हैं। सोहन, क्या अपडेट है, बैठक करने की तैयारी में है हेमंत सोरेन? देखिए, जो बैठक की जानकारी है तो जो जेएमएम और कांग्रेस के विधायक है उनको एक दिन पहले ही कॉल कर दिया गया था कि सभी रांची में रहेंगे, और लगभग कल से ही जेएमएम और कांग्रेस के विधायक मंत्री रांची में ही हैं, और सभी अभी विधायक और मंत्री सीएम आवास पहुंच रहे हैं। 2 बजे के बाद में कहा गया है कि बैठक होगी और जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे, और सभी सीएम का इंतजार कर रहे थे, और सीएम जैसे ही रांची पहुंचे हुए हैं तो उसके बाद
जो जेएमएम मंत्री हैं सभी सीएम आवास पहुंचने लगे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर सीएम आखिर रांची कैसे पहुंचे, आखिर मैं बाई एयर तो नहीं आए, बाई रोड आए हैं, तो आखिर वो कैसे आए, किन रास्तों से आए। और सवाल अब खड़ा होता है कि आखिर अब बीजेपी सवाल पूछेगी कि जब ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी, तो इतना और छुपना क्या जरूरी था। ठीक है सोहन, आप नजर बनाए रखें, आपसे लगातार अपडेट लेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है टाइम्स और नवभारत की खबर पर मोहर लग गई है। वो खबर जो हमने आपको बताई थी कि हेमंत सोरेन बाय रोड रांची पहुंच सकते हैं, और देखिए हुआ भी यही, वो बाय एयर तो नहीं पहुंचे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं कि जिस तरह से लगातार कार्रवाई की गई, ईडी ने जब दिल्ली आवास में सोरेन के दिल्ली आवास में जब छापा मारा, यहाँ पर जब जांच के लिए पहुंची तो 36 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं नोटों के, जो अलग अलग बंडल हैं, आप देखिए किस तरह से 36 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। 500-500 के ये सभी नोट हैं। आप पहली रो देखें तो इस दौरान भी किस तरह से 35 गड्डियां हैं, दूसरी रो में आप देखेंगे तो दूसरी रो में 37 गड्डियां हैं। कुल मिलाकर अभी तक जो काउंटिंग हुई 36 लाख रुपए सिर्फ दिल्ली के आवास से बरामद किए गए हैं। आपको ये भी बताते चले, कोई नया मामला नहीं, किस तरह से जमीन घोटाले और इससे कनेक्टेड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से इसके पहले भी ईडी कई मर्तबा पूछताछ कर चुकी है, और पूछताछ के बाद में एक के बाद एक मुश्किलें सिर्फ बढ़ती नजर आई हैं। यहां तक कि गिरफ्तारी का संकट जो है वो भी लगातार जो है गहरा रहा है हेमंत सोरेन के लिए। यही वो बखूबी जानते हैं कि इस बार जब वो ईडी के सामने पेश होंगे तो इस बार की पूछताछ और भी ज्यादा सख्त रहने वाली है। इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। निशिकांत ने सीएम हेमंत के गायब होने को संवैधानिक संकट करार दिया है और सीधे सीधे मांग की है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। कहाँ चले गए हैं आपके राज्य के मुख्यमंत्री? चलो ईडी तो ढूंढ रही है लेकिन मीडिया वालों को भी नहीं मिल रहे, किसी को मिल ही नहीं रहे। 3.5 करोड़ जनता को नहीं मिल रहे, 3.5 करोड़ जनता उनको ढूंढ रही है। एक होता है ना कि लापता गंज का लापता मुख्यमंत्री, और पहली बार मुझे लगता है देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना हुई होगी कि कोई मुख्यमंत्री लापता हो गया। लेकिन उनके परिवार का इतिहास रहा है, उनके पिताजी भी जब केंद्रीय मंत्री थे तो 21-22 दिन वो गायब हो गए थे, पता ही नहीं चल रहा था, पूरे देश की सरकार उनको ढूंढ रही थी। तो मुझे लगता है उसी नक्शे कदम पर है। लेकिन अभी तो ईडी पूछताछ के लिए बुला रही थी उनको, यदि पूछताछ से कोई मुख्यमंत्री भाग रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका है। इसका मतलब कि उन्होंने अपने आप को भगौड़ा तो घोषित करवाया ही, भ्रष्टाचारी भी घोषित कराया गया। उन्होंने अपने आप को कह दिया कि हाँ हमने चोरी की है। तो क्या राज्य में कुछ होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए? मुझे जो जानकारी मिल रही है कि राज्यपाल महोदय ने जो है डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया है, और शायद वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते होंगे, बात करना चाहते होंगे, और राज्यपाल वहां मौजूद हैं, और जिस तरह उनके परिवार के हालात हैं, मुझे लगता है कि यदि प्रकट नहीं हुए भय प्रकट कृपाला तो मुख्यमंत्री बना देंगे। कोई मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, फिर तो राष्ट्रपति शासन ही होगा ना। मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना है ना। ये आपसे कुछ देर पहले की बातचीत थी निशिकांत दुबे से, हमारे साथी हिमांशु तिवारी ने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए झारखंड में, क्योंकि ये एक तरह से संवैधानिक संकट है। हालांकि अब उसके कुछ ही देर के बाद में हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रांची में देखे गए। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, टाइम्स ऑफ नवभारत लगातार इस खबर पर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है, और सीएम आवास के बाहर बाकायदा शीशा खोलते हुए बैक सीट पर बैठे हुए थे और हाथ दिखाते हुए वेव ऑफ करते हुए वो जरूर यहां पर नजर आए हैं। उनसे पूछताछ होगी, कल ईडी के सामने उन्हें पेश होना है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी